तो कुल मिलाकर सोलन में इस समय भारी बारिश का कहर जारी है। चक्की मोड़ के पास NH5 लैंडस्लाइड के चलते बंद हो चुका है। भारी बारिश के चलते सुबाथू रोड भी बंद हुआ। कुछ लोगों के घरों में बारिश का पानी भी घुस चुका है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, कुछ लोगों के घरों में बारिश का पानी यहाँ पर घुस चुका है। भारी बारिश के चलते सुबाथू रोड बंद हो चुका है। तस्वीरें आपको हम दिखा देते हैं। तस्वीरें आपके सामने देखिए, सुबाथू रोड है और साथ ही आपको बता दें यहीं कि आसपास जो एक गांव है वहां पर बादल फटता है तो दूसरी तरफ ये रोड यहां पर बंद हो चुका है। हिमाचल में इस समय यात्राएं करना आपके लिए बिल्कुल भी महफूज नहीं है। तो हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर जारी। चंडीगढ़ हरियाणा से कटा औद्योगिक क्षेत्र बद्दी नालागढ़ बद्दी बैरियर पुल पर तेज बहाव से क्षतिग्रस्त वाहनों के आ जाने पर रोक लगी है। आपको बता दें, चंडीगढ़ से बीबीएन को जोड़ने वाला बद्दी बैरियर पुल नदी के तेज बहाव में एक बार फिर से क्षतिग्रस्त हो चुका है। इस बार पुल के बीच का हिस्सा क्षतिग्रस्त होने से पुल नीचे की ओर झुक गया, जो कि कभी भी गिर सकता है, जिसके चलते वाहनों और पैदल आवाजाही को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। इस पुल के बंद होने से इंडस्ट्री को भारी नुकसान होगा, क्योंकि चंडीगढ़ से होने वाली मूवमेंट इस पुल से होकर औद्योगिक क्षेत्र में प्रवेश कर रही थी, लेकिन अब चंडीगढ़ वाया सिसवा से मंढावला होकर बरूटीवाला से प्रवेश करना होगा। बद्दी बैरियर पुल बीते माह हुई बारिश से भी क्षतिग्रस्त हुआ था, लेकिन कुछ दिनों बाद बहाल कर दिया गया, क्योंकि पुल के शुरुआती पिलर्स के नीचे का हिस्सा पानी के तेज बहाव में बह गया, लेकिन पुल के ऊपरी हिस्से को नुकसान नहीं पहुंचा और इस बार पुल के ऊपर का हिस्सा भी पिलर के समेत नीचे झुक चुका है। तस्वीर आपके सामने है। एक बड़ा नुकसान, एक बड़ा आर्थिक नुकसान इस समय हिमाचल प्रदेश को हो रहा है। लोग सकते में है, लोग चिंता में है।